नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सीखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? अगर आप एक बैंक का स्टाफ हैं या आप बैंक का काम करना चाहते हैं या आप बहुत सा आप EMI आप निकालना चाहते हैं, बहुत सा आप ऐसा जानना चाहते हैं दोस्तों कि मैं 1 लाख लोन लिया हूँ 4 साल के लिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, या बाइक खरीदे हैं तो बाइक में EMI कितना पड़ता है, कितना मुझसे EMI ले रहा है, 1 लाख गाड़ी का दाम हुआ तो कितना हम इंटरेस्ट उसको दिए, या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 12% के हिसाब से कितना होगा। तो इस सारा चीज़ को हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन। आप सीख लेते हैं तो आप ही खुद अपने से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एक मोबाइल आप लिए हैं EMI पर, तो माने कि उसको कितना आप इंटरेस्ट रेट है क्या, कितना मुझे ज़्यादा पड़ रहा है, कितना मुझे देना है, सारा चीज़ को आप समझेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन को सीखने के लिए दोस्तों मैं पहले से कुछ पेज को मैंने टाइप करके रखा हूँ कि समय वो ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। तो देखिए सर दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 लाख के लोन लिए हैं। मैं पूरा विस्तार से आपको समझाता हूँ, अच्छा सा आप एकदम क्वेश्चन को सबसे अच्छा सा आपको समझना है। जब क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाइएगा तो आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, मैं लोन ले लू ठीक है दोस्तों, यानी कि लोन वैल्यू, यानी कि PV मतलब क्या होता है, मैंने लोन ले चुका हूँ प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो मतलब मैंने 1 लाख लोन लिया, मैंने 1 लाख लोन लिया, ठीक है दोस्तों, मैंने 1 लाख लोन लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं ईयर, और NPR को ईयर बोलते हैं, और हमको इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है दोस्तों, मैं पूरा को टाइप करता हूँ, और उसके बाद हमको PMT निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर 4 साल और इंटरेस्ट रेट 14% और PMT निकालना है। क्वेश्चन को पूरा अच्छा सा समझना है दोस्तों, मैंने 1 लाख का लोन लिया है, 4 साल में मुझे चुकाना है 4 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट 14% लगाया है, तो हमको कितना पर मंथ, यानी कि पर मंथ हमको कितना इंस्टॉलमेंट मुझे देना है, तो ये चीज़ हमको निकालना है। तो चलिए आप हम लोग सीख लेते हैं पर मंथ कितना हमको देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, PMT लिखेंगे, और कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फंक्शन में PMT फंक्शन आ जाएगा, और ये कह क्या रहा है कि रेट, तो हमारे पास रेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्लिक कर दिए, और डिवाइड बाय 12 से करेंगे, मतलब 12 से मतलब साल 12 से ले 12 इसको हम लोग दिए, और NPR, ठीक है दोस्तों, NPR, तो NPR पर हम लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद NPR पर हम लोग यहाँ पर ही भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद इसको भी
गुना कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में मतलब 12, तो 12 4 साल को इस तरह से 12 को गुना कर देगा इसको, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको देना है। उसके बाद हमारे पास पीवी, तो पीवी मेरे पास कौन है, तो ये है, तो इस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो आपको रिजल्ट आपको यहाँ पर आपको आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे हम ओके कर देंगे तो देखिए रिजल्ट आपको मेरे पास आपको आ गया। तो रिजल्ट मेरे पास कितना आया, 2732 रुपया 65 पैसा पर मंथ हमको देना होगा। ये हम लोग निकाले क्या, हम लोग ये क्या निकाले, पर मंथ हमारा जो इंस्टॉलमेंट होगा आपको 2000 आपको 732 रुपया 65 पैसा हमको देना होगा 4 साल में, तब ये हमारा ये लोन चुकता हो जाएगा। ये जो रेड आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप माइनस लगा देते हैं तो, और इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये रेड भी हट जाएगा। अगर इसको डॉलर भी हटाना है तो राइट क्लिक करके आपको आ जाना है फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पर से नन कर दीजिएगा, तो ये भी डॉलर भी आप इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमको यानी कि क्या निकाले, हम 1 लाख के लोन लिए हैं 4 साल के लिए, 14% मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो पर मंथ हमको इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, तो इतना हम लोग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा लोन चुकता हो जाएगा। लेकिन मुझे ये जानना है दोस्तों कि हमने इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं और उसका जो मेरा जो लोन लिया है वो कितना दे रहे हैं, दोनों अलग अलग मुझे निकालना है, इंटरेस्ट अलग और जो हम लोग जो उसका हम लोग प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मतलब टोटल जो अमाउंट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अलग अलग हमको निकालना होगा, तब हम क्या क्या करेंगे। तो उसके लिए हमको IPMT निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे IPMT, अब कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देना है आपको, जैसे कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है रेट, ठीक है रेट, तो रेट हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर है, तो हम लोग रेट पर हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे और वैसे डिवाइड बाय 12 से करेंगे। उसके बाद देखिए पर नहीं आया, तो इसमें हम लोग क्या टाइप कर देंगे, 1 साल से हम लोग करना है, इसलिए हम लोग 1 साल से करेंगे, तो इसको 1 यहाँ पर ध्यान दीजिए, नया क्वेश्चन आ गया। उसके बाद NPR, तो NPR यहाँ पर है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और NPR क्लिक करने के बाद इसको भी गुना कर देंगे 12 से, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ आगे पीवी, पीवी ऊपर वाला लोन को है, ठीक है, तो हम लोग इस पर नीचे क्लिक करके इस पर हमको क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे और ओके जैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको रेड आ गया है तो इसी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर से आपको माइनस लगाना है और इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1166 रुपया 66 पैसे, ये क्या निकाले, ये IPMT, तो यहाँ से, तो दोस्तों ये क्या निकला, ये निकला आपको पर मंथ इंटरेस्ट, पर मंथ इंटरेस्ट आपको कितना देना दे रहे हैं आपको। अब हमको और निकालना है क्या, हम लेकर आएंगे और निकालेंगे PPMT। PPMT क्या होता है, ये तो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और हम पूंजी कितना दे रहे हैं 1 लाख में वाला, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे PMT और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस उसी तरह से आ गया। अब हमको रेट, तो रेट हमारे पास कहाँ पर है, रेट हमारे पास है, तो रेट हमारे पास कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए रेट है, इस पर रेट पर क्लिक करेंगे, वैसी बस इजी है, वैसी 12 से इसको डिवाइड करेंगे, इसमें भी 1 लिख देंगे, 1 1 1 1, और उसके बाद NPR, तो NPR यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके इसको भी उसी प्रकार से गुना कर देंगे 12 से। उसके बाद हमारे PV मतलब ई अमाउंट, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, माइनस लगा दीजिए और 1 लाख, 1 लाख निकाल दीजिए, देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी शो करता है, यहाँ पर टोटल में सब में देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट भी शो करेगा।
डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ना तो माइस जैसे माइस लगाएंगे तो रेड आपको हट जाएगा, रेड आएगा नहीं। तो देखिए रेड आपको आया ही नहीं, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों को आपको डलर का हटाना होगा, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग जाएंगे फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पर से हमको खाली नन कर देंगे तो डॉलर हट जाएगा, और इसको भी नन कर देंगे हमें समझाएंगे, और इसको भी नन कर देंगे तो ये भी डॉलर हट जाएगा। अभी दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए, टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे इक्वल टू, ये अमाउंट लेंगे प्लस लेंगे और नीचे वाले अमाउंट लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखिए 2732 रुपया 65 पैसा देखिए यहाँ पर आपको आ गया। तो हम लोग क्या क्या निकाले दोस्तों, कि अगर हमने लोन लिया है 1,04,000 के लिए 14% इंटरेस्ट होगा, तो पर मंथ हमको कितना देना होगा, तो इतना देना होगा। कोई हमसे ये पूछता है कि पर मंथ इंटरेस्ट तुम कितना दे रहे हो और उसका पूंजी यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रहे हो, तो दोनों को मैंने अलग अलग लगाया। ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, और ये जो 1 लाख में से जो पूंजी वो ले रहा है, और दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो आपको इतना आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छा सा एक्सप्लेन कर पाया। अगर आपकी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।